खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम है। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहां इलाकों के अंदर बिजली नहीं, और बंद पड़े बिजली प्लांट ये सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ तथ्य में सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूँगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है, और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया, और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है? दूसरा है, नतीजा ये भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए अनुमान लगाता है, उनका ये मानना है कि 2025-26 और 26-27 बिजली की मांग जो है वो घटक कम होगी, वो कम बिजली हरियाणा में होगी, वो लगभग 3000 मेगावाट, यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन जरूरत होगी, और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है? मेरा ये मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए, और 27-28 तक, यानी तो उससे अगले साल तक, ये 3500 मेगावाट तक जरूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त है। कैथल के पत्रकार ज्यादा बेहतरीन जानते हैं, हरियाणा में आखिरी बार बिजली उत्पादन कांग्रेस सरकार ने किया, मुझे सौभाग्य मिला कि इस बिजली उत्पादन का मैं एक हिस्सा था, बतौर बिजली मंत्री हमने क्या किया था मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा। 600 मेगावाट का तीन बंदे गोपुराल पावर प्लांट योजना नगर शुरू किया, 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट केजड़ हिसार में बनाया, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट का जिसको झाड़ली वन झज्जर कहते हैं वहां लगाया, महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली टू प्राइवेट सेक्टर में 1320 मेगावाट का झज्जर में झाड़ली टू लगाया, और 25 साल के लिए 2.92 रुपए फिक्स्ड पे, 1 पैसा बढ़ नहीं सकता, मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है 1400 मेगावाट पावर बिजली करी। सच्चाई ये प्रदेशवासियों के सामने, 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। 1200 मेगावाट के राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट केंद्र हिसार पर ताला लगा दिया, एक यूनिट बिजली नहीं बनी, हजारों करोड़ सरकार ने खर्चे। 1500 मेगावाट में इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट था, आप जानते हैं ये NTPC जो भारत सरकार की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट है, ये हमने उस समय फायदा उठा लिया था क्योंकि दिल्ली को बिजली की जरूरत थी, उनके पास जमीन और वाटर लिंकेज नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप ये दिल्ली बॉर्डर पर लगा दीजिए, आधी बिजली हमें, तो हमने जमीन दी, पानी की लिंकेज दी और आधी बिजली हमें मिल गई। कट्टर साहब ने साइन करके वो बिजली वापस दी, बोले हमें जरूरत है, तो 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। इधर 1200 मेगावाट का प्लांट बंद कर दिया, इधर 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दिया। तीसरा, जो 25 साल के लिए 2 रुपया
बिजली को पौने पौने दाम में एक्सचेंज में बेच रहे हैं। हरियाणा को नुकसान हो रहा है डबल, एक तो 2.92 रुपये की बिजली नहीं मिलती, दूसरा वही बिजली हमें जाके एक्सचेंज में 12 रुपये 14 रुपये 15 रुपये पे खरीदनी पड़ती है, तो हमें तो डबल नुकसान होने लग गए। तीसरा, ये तीन बातें तो हुई, इसके साथ साथ एक बात और, 750 मेगावाट एक और पावर प्लांट यमुनानगर में लग सकता है। आपको पता है नदी के ऊपर परमिशन नहीं मिलता बिजली प्लांट लगाने, मैंने यमुना के ऊपर भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली, कोयले की माइन खरीद के हरियाणा सरकार को दी, एलोकेट करा दी, लाइन का प्रावधान किया, जमीन पड़ी, तो कुछ नहीं करा, सिर्फ प्लांट लगा, 10 साल में प्लांट नहीं लगाया मैंने। कभी भी आप बिजली प्लांट लगा नहीं लगाते, हाँ 15 रुपए 14 रुपए 12 रुपए 10 रुपए पे बाहर से बिजली खरीद। नतीजा ये है कि हरियाणा के लोग बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं और हम अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके अनाप शनाप रेट पे बिजली खरीदते हैं। अगर हम थर्मल पावर प्लांट चलाएं तो 3.5-3.75 रुपए तक बिजली बना सकते हैं, पर हम 10 रुपए वाली खरीदेंगे 15 रुपए वाली खरीदेंगे, अपना प्लांट जो हजारों करोड़ से बना है वो नहीं चलाएंगे, ये कौन सा लॉजिक है? नतीजा कारण बिल्कुल साफ है, 10 साल तक हरियाणा को जात पात में बांटने टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन उद्योग लगाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती। 10 साल में हरियाणा वासियों को पोर्टल पोर्टल खेल कर जनता की जिंदगी को उलझाने, वह परिवार के सदस्यों को आईडी बनवाने, कभी प्रॉपर्टी आईडी कभी फैमिली आईडी, उसकी लाइन में लगवाने से चक्कर में डलवाने से फुर्सत मिलती तो फिर निवेश और निर्माण का काम करते। 10 साल में हरियाणा को 3 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबाकर अनाप शनाप तरीके से पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो बिजली घर आईटीआई स्टेडियम सड़कों का निर्माण करते। 10 साल में भाजपा व भाजपा जनपद सरकार भ्रष्टाचार भयंकर महंगाई बेतहाशा कर्ज बिकती नौकरियां बेलगाम अफसरशाही किसान गरीब युवा महिलाओं का उत्पीड़न गरीबों पर अत्याचार का इंतजार।